जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला ऊना की सभी 245 ग्राम पंचायतों के उपप्रधान और प्रधान सचिव और पंचायत प्लानिंग एंड फैसिलिटेशन कमेटी के सदस्यों को जिला परिषद के सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण के तहत विशेष ट्रेनिंग प्रदान की गई है। जीपीडीपी के नाम से दी गई इस ट्रेनिंग में पंचायत और ग्राम पंचायत की विकास और साथ ही योजनाओं को विशेष रूप से फोकस करते हुए न केवल उनके निर्धारण अपितु सही क्रियान्वयन को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान सभी 245 ग्राम पंचायतों के सदस्यों और कर्मचारियों की थीम आधारित कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। विभाग द्वारा जैसा हमें दिशा निर्देश दिए और माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा जिला ऊना की सभी पंचायतों 245 पंचायतों को प्रशिक्षण करने के लिए हमें आदेश दिए गए, जिसका कि हमने शुरुआत जो है 10 तारीख से की है। 10 तारीख को हमारे 2 ब्लॉक थे, 11 को भी 2 ब्लॉक थे और लास्ट में आज जो है हमारा ऊना ब्लॉक है जिसकी कि हमारी 63 पंचायतें हैं। इस तरह हमने 245 पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, पंचायत सचिव और जो हमारे ग्राम पंचायत प्लानिंग एंड फैसिलिटेशन टीम का मेंबर है, 4 प्रत्येक पंचायत से हमने बुलाए और उनको हमने प्रशिक्षण दिया कि जो प्रोसेस चला हुआ है हमारा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का, वो पिछले 6 महीने से चला हुआ है, जिसको अंतिम रूप देने के लिए ग्राम सभा होगी और जिन्होंने की है, लेकिन उसका जो विजन डॉक्यूमेंट हमारा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उसको सही ढंग से, जैसा कि हिमाचल सरकार द्वारा और भारत सरकार के जो हमारे पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग है, स्टेट का, सेंटर का जो गाइडलाइन उन्होंने दी है ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने की, उसको थीमेटिक बेस पर जो थीम हमने ली है, जो पंचायतों ने संकल्प लिए हैं, जिसमें कि विभाग का आदेश था कि 3 थीम लेने हैं, वो 9 थीम है। 9 थीम के बारे में हमने इनको विस्तार से जानकारी पहले भी दी है, आज भी हमने उनके बारे में सेंसिटाइज किया और आज हमने विस्तार से, और अभी तक हम सेंसिटाइजेशन के लिए उनको बेसिक चीजों का बता रहे थे, अब आफ्टर लंच सेशन हमने प्रैक्टिकली करके ऑनलाइन उनको बताना है कि आपने किस तरह जो है इस ग्राम पंचायत विकास डॉक्यूमेंट को, जीपीडीपी को किस तरह का आदर्श डॉक्यूमेंट बनाकर एक मॉडल थीमेटिक जीपीडीपी बनाकर अपने जिला के लिए और प्रदेश के लिए जो है काम करना है, ताकि हमारा गांव विकसित हो, हमारे गांव मिलकर पंचायत विकसित हो, पंचायतें मिलकर हमारा जिला, जिले मिलकर हमारा प्रदेश और प्रदेश मिलकर हमारा देश विकसित हो, इससे संबंधित एक कार्य चला हुआ है।